बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझ, सबसे पहले तो मुझे यू टर्न लेना है। अगर पाकिस्तान का लीडर अव्वल खुद साख्ता पैगंबर के जो हमारी इस्लाह के लिए, जो हमें कौमी आजादी दिलाने के लिए, और वो क्रिकेट का तो नौजुबिल्ला खुदा है कि उसने पाकिस्तान के लिए तारीखी वर्ल्ड कप जीत रखा है, अगर इमरान खान जो है वो बात बात पर यू टर्न ले सकते हैं, तो क्या मैं अपनी पेशन गोई पर यू टर्न नहीं ले सकता? जनाब, आज मैं अपने लीडर अव्वल की जो है पैरवी करूंगा और आज यू टर्न लूंगा। मैं पाकिस्तान की टीम की जीत के लिए हमेशा उम्मीद करता था, दुआ करता था। ये जो पेशन गोई थी, असल में ये मेरी दुआएं थी। मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी टीम जो है वो जीत जाए। इसलिए भी दुआओं की उनको ज्यादा जरूरत होती है कि जो नाकारा हूं, ना अहल हूं। इसे हम पाकिस्तान की टीम कहके जो है इसको बकअप करते रहे हैं, मगर दरअसल ये पाकिस्तान की नहीं, केपी की टीम है। पाकिस्तान में ये एक मुनाफिकत के लिए जो है वो क्रिकेट बोर्ड में वो जो कठपुतलियों को हिलाते हैं, उन्होंने एक बाबर आजम को बतौर मुनाफिकत टीम का कैप्टन कर रखा है, और उसमें भी उनकी जो अगली चाल है वो रिजवान को कैप्टनशिप तक लाना है, तो मैं इसे केपी की टीम आज कहता हूं। इंग्लिश टीम का हर बैटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनका हर बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर फिल साहब कल जल्दी आउट गया, हालांकि उनके बैटर्स ने टेम्पो वही रखा, टेम्पो नहीं गिरने दिया। उन्होंने 10 ओवर्स में 100 कर लिए थे, 10वें ओवर में उनके 100 हो गए थे और 101 रन थे, 3 आउट थे 10वें ओवर में। तो उनकी जो बैटिंग का हुस्न है, खूबसूरती है, वो ये है कि जो बैट्समैन आ रहा है वो आते ही हिट करता है, स्ट्रोक खेलता है, वो डिफेंस पे नहीं जाते। 2020 की क्रिकेट डिफेंसिव है ही नहीं। जो डिफेंस में गया, जो डर गया, वो मर गया। तो कल पाकिस्तान की टीम के साथ यही हुआ। इंग्लैंड ने जो है वो मुकर्रा 20 ओवर्स में जनाब 209 रन कर दिए थे। डेविड मलान ने और ब्रोथ ने बहुत उम्दा जो है वो पार्टनरशिप की है। 101 पे 3 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद में ना उन्होंने विकेट गिरने दी और ना ही जो है पाकिस्तान